सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आदरणीय अभिभावकगण, जैसे कि आप और सभी विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, तो आपको तो मालूम है कि कुछ जो अवशेष परीक्षाएं बची हुई हैं वो 29 परीक्षाएं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी, लेकिन जो हमारे 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृहमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और जो 3000 केंद्र हैं वहां से अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जो पहुंचाने की व्यवस्था की अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है। मैं गृह मंत्रालय का आभार प्रकट कर रहा हूं और सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकगण को और आदरणीय अध्यापकगण को ये कहना चाहूँगा कि अब हम बहुत जल्दी कल से ही ये काम शुरू कर रहे हैं और इन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से ये 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकगण के घर तक पहुँचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे और इस बीच ये मूल्यांकन जैसे हमारा पूरा होता है और जो अवशेष परीक्षाएं जैसे वो पूर्ति होती है तो हम बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर सकेंगे। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा। मेरी शुभकामनाएं कि जो बचे हुए पेपर्स आपके हैं, जो मूल विषयों के 29 विषयों के पेपर हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जो उत्तर पुस्तिकाएं जो 173 विषयों की जो परीक्षाएं हो चुकी थी उन 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का हम बहुत अच्छे से मूल्यांकन कराएंगे और उसका काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। मेरी आपको शुभकामना कि इस महामारी के समय में आप मस्त भी होंगे, बिना किसी दबाव के पढ़ भी रहे होंगे, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप मस्ती के साथ अपने समय को गुजार रहे होंगे और जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हमको मिल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो हमसे आग्रह करते हैं, हम जरूर उन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम 7 कौन सी बातें हैं, मुझे भरोसा है वो 7 बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे बांटी थी उनका हम हर पल स्मरण करके और अपनी सुरक्षा भी कर रहे होंगे। शुभकामना।